भाई आज क्या बना रहे हो आप? आज बना रहे हैं चिकन बिरयानी। अच्छा हाँ। यार मुझे भी बताओ रेसिपी इसकी। रेसिपी इसकी आसान है, इधर और बताओ। चिकन सही, पुदीना और हरा धनिया, और ये जो हैं ये सारे मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसमें दालचीनी है, इलायची है, लौंग, काली मिर्च, ये मेस, इसको जावित्री कहते हैं, ये स्टार टाइप की कुछ चीज़ है, मुझे इसका उर्दू में नाम नहीं याद है। ये सारे मिक्स मसाले हैं, इलायची, बड़ी इलायची सारी, और ये कुछ मसाले जो मैंने बनाए हुए थे। इसमें ये मैंने ऊपर सूखे आलू बुखारे डाल दिए हैं, और इसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और बिरयानी मसाला जो इसके नीचे ये है, और इसके बाद है हमारा मेन इंग्रेडिएंट दैट इज चिकन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सब को मैरिनेट करके इसको वी विल पुट इट अबाउट 2 hours फॉर मैरिनेशन। ओके ओके, सो सी हाउ यू कुड कट द ग्रीन चिलीज। कटिंग का सबसे आसान तरीका ही होता है, आप दो उंगलियां पीछे रखें, एक आगे रखें और इसको टर्न करके रखें, ये ऐसे स्लाइड होना चाहिए, कभी आपकी उंगली कटेगी नहीं और अच्छा सा स्लाइड होगा। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ। ये हो गया। अब जैसा मैंने बताया था कि हम इसको मैरिनेशन करेंगे, ये मैंने बाउल इसलिए लिया है कि इसमें चिकन फैलता नहीं है और अच्छे तरीके से इसमें मैरिनेट होता है। मैरिनेशन में एक चीज मैं भूल गया हूं, वो है दही, वो भी हम इसमें डालेंगे। ये है, इसमें हमने अपना धनिया और पुदीना डालना है। ये डालने के बाद हमने इसमें ये सारे मसाले डालने हैं। और सारे ये जो खड़े मसाले थे ये डालने हैं। ये डालने के बाद ये जैसे मैंने हरी मिर्चें काटी थी ये डालनी है। अब इसमें एक चीज रह गई है, दैट इज द योगर्ट। सो वी विल पुट अबाउट रफली 2 to 3 बिग स्पून ऑफ योगर्ट इन इट। ये हमारी मैरिनेशन है जो हमने चिकन को लगानी है। सही, इसमें हमने दही डाली। थोड़ी सी और डाल देते हैं, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे मैरिनेट करेंगे इसको अच्छी तरीके से। हमने पहले मिक्स करना है, चम्मच से ये नहीं हो रही है मुझसे अच्छे तरीके से, तो मैं अपना हाथ यूज करके इसको मैरिनेट करूंगा। अच्छा खाना बनाना आसान नहीं है, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इट। लुक एट दैट, चिकन बहुत ठंडा था तो मेरे हाथ इस टाइम बहुत ठंडे हो रहे हैं, लेकिन इसको मैरिनेशन लगानी है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ लेमन जूस, लेमन जूस ऐड किया, और अब हम इसको अच्छे तरीके से
मैरिनेशन के लिए रखते हैं। So, it's mixed up well. अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा और the best is कि आप इसको overnight marinate करके रखें, लेकिन अभी टाइम कम है, मुझे काम पे भी जाना है, तो मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगा, जो कि चिकन के लिए इनफ है। अगर बीफ या लैम होता तो मैं इसको डेफिनेटली overnight रखता। अब यह है कि हमारे मैरिनेशन को 2 घंटे तो हो गए। अब चावल बॉईल करेंगे। चावल को हमने एटलीस्ट 1/3 या हाफ बॉईल करना है, तो मैंने इसमें ऑयल डाला है और ये जो खड़े मसाले जो मैंने बताए थे, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, मोटी इलायची, जावित्री और सब्ज़ इलायची, ये सारे हम इसमें डाल के इसको गरम करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें एक और चीज़ डालेंगे, वो हैं ये हमारी सब्ज मिर्चें। ये मैंने हाफ काट के रख दी थी, लेंथ में काट के मैंने इनको रख लिया था। ये थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। खुशबू आ रही है कि नहीं, है ना? तो ये हमारा बन रहा है और जैसे ही हमारे थोड़े से मसाले खुशबू छोड़ेंगे तो हम इसमें फौरन क्या ऐड कर देंगे, पानी। चिकन नहीं, पानी बॉईल हो रहा है, यही तो डिफरेंस है। ये अब थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें फौरन डाल देंगे पानी। ठीक है, इसके साथ साथ अभी मैं इसको बॉईल करने छोड़ दूंगा। ये हमने और डाला, तो अब मैं इसको बॉईल करने छोड़ रहा हूं। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगा चावल। चावल को जैसा मैंने कहा कि 1/3 या मैक्सिमम हाफ मैं उसको बॉईल करूंगा, मैं चेक करता रहूंगा और उसके बाद फिर हम बिरयानी बनाएंगे। भाई अब क्या प्रोसीजर है यार? अब हमने ये करना है कि प्याज ब्राउन हो गई है। ओके, ठीक है। चावल भी हमारे बन गए थे, वो मैंने ऑलरेडी उतार लिए थे। अब मैं प्याज ब्राउन हुई है, मैं इसमें थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ। ये ऑप्शन होती है, आप इसमें भी डाल लें या आप मैरिनेशन में डाल लें। मैं थोड़ा सा इसमें डालता हूँ ताकि ये थोड़ा पक जाए, अच्छा टेस्ट आए इसका। आप मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा पक रहा है, अब इसके साथ ही मैं जो मैंने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन था मैं वो डाल दूँगा। ये देख रहे हो, ये मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद वही जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था अब मैं उसमें थोड़ा पका रहा हूँ।
इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना है, बस 10-15 मिनट के लिए थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमने फिर इसमें चावल डाल के इसको दम पे भी रखना है, तो ये उसमें भी कुक होगा, इसका मसाला भी और चिकन भी। ये हमारा चिकन बन गया, मसाला रेडी हो गया। अब ये जो मैंने चावल हाफ बॉईल करके रखे थे ये मैं इसमें डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ये टमाटर ऐड करूंगा। ये डालने के बाद मैं इसमें ये चावल डालूंगा। ये एकदम ही निकल आए, लेकिन हम इसको कट करेंगे बाद में। इसको इवनली हम स्प्रेड करेंगे। देख रहे हो? सही है, ये हमारे चावल इस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये ज़ाफ़रान का पानी है, ये हम डालेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, तो थोड़ा यहाँ पे हम डालते रहेंगे। ये हमने इसमें देसी घी जो है वो ऐड कर दिया। सही, अब हमने क्या करना है, देसी घी के बाद हमने इसमें डालनी है प्याज जो हमने ब्राउन करके डाली हुई थी, याद है ना? जी। प्याज ब्राउन करने के बाद जो हमने डाली थी, हमने अब इसमें हरा धनिया और पुदीने की गार्निशिंग कर देनी है। के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसमें इस पर ढक्कन ढकना है और अब हमने इसको दम पे लगाना है। मैं इसको भाप का दम दे रहा हूँ। भाप का दम देने से ये होता है कि चावल नीचे नहीं लगते, ठीक है? सही। तो भाप का दम देने से चावल नीचे नहीं लगते हैं, और अब हम इसको देखेंगे रफली आफ्टर 1 hour। अच्छा जी, ये हमारा दम लग गया, बिरयानी हमारी रेडी है, और ये हमारी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। कैसी है उस्मान? ये हमारी बिरयानी रेडी है। हम इसको सर्व करेंगे।
So this is my chicken biryani. Focus it. Smells so good. Finally, chicken biryani is ready. Made by Master Chef. Chef, we have a hit. Yeah.